शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को हमारा नमस्कार। आज भगवान का ये एक आशीर्वाद समझ लीजिए, और टेक्नोलॉजी का चमत्कार कि आप सभी देश के अलग स्थान में, सुदूर देश में हैं, और हम यहाँ हिमालय गंगा तट पर उत्तरकाशी में, वहां से काफी दूर में बैठ करके भारत के धार्मिक और दार्शनिक दर्शन पर संवाद कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे परम गुरुदेव, परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में उनके ही पट्ट शिष्य, प्रिय शिष्य, जिन्होंने आजीवन गुरु सेवा की दृष्टि से आश्रम की सेवा करते रहे, ऐसे परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के अंतर्गत ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार इस अवसर को सज्जनों में एमएस यूनिवर्सिटी के तरफ से, सद्भावना संस्था की तरफ से, और लीडरशिप एंड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से, डीएलएस बड़ौदा के तरफ से, सभी संयुक्त रूप से ये कार्य को संपन्न करा रहे हैं। बहुत ही अच्छे बात। और इसमें वाइस चांसलर श्री परिमल व्यास जी, हमको हमको स्मरण आ रहा है कि 2018 में हम एमएस यूनिवर्सिटी में नवंबर के महीने में भाष्य पारायण का अनुष्ठान किया था, 12 दिन का, आप लोग सुने होंगे। तो परिमल जी को वहां हम मिले थे, और अभी हम दर्शन किए हैं, उनको बात किए हैं, और डॉक्टर जिगर ईमानदार जी, इनामदार जी, प्रोफेसर आद्या सक्सेना जी, और रीना भाटिया जी, और हम सबके परम मित्र, और इसके सब कार्यान्वित करने में जो सर्वदा तत्पर रहते हैं, जयंत भाई जी और उनके सहयोगी, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि वे ऐसे अवसर को इस प्रकार मिलाने के लिए किया। परम पूज्य शिवानंद जी महाराज के विषय में हम ये कहें कि शंकराचार्य जी के परंपरा में विवेकानंद स्वामी जी आए, विवेकानंद स्वामी जी के बाद ये गत शताब्दी में स्वामी जी एक अवतार के रूप में शंकराचार्य परंपरा को आजकल आज के रेलेवेंस के माध्यम से आज कैसे कर सकते हैं, ऐसे भाव से प्रचार किया, प्रसार किया।
उनकी ये अद्भुत शक्ति थी कि भारतीय दर्शन के, धार्मिक दर्शन के सभी जितनी भी शाखाएं हैं, जितने विभाग हैं, उनमें सभी में उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षित किया। योग हो, ज्ञान हो, तंत्र विद्या हो, या पुराण इतिहास विषय में हो, तो सभी में, सभी दर्शनों को, सभी विचारों को, भारतीय विचारों को इंटीग्रेट किया। ऐसे ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान होने के पहले तक अनेकता रहती है, अलग अलग दिखता है। कोई किसी को द्वैत सत्य दिखता है, किसी को अद्वैत सत्य दिखता है, किसी को त्रैत सत्य दिखता है, किंतु ज्ञान होने के बाद में उसके जो अंदर सूत्र है, सभी के अंदर जो विद्यमान अंतर्यामी का जो स्वरूप है, उसको जानने के बाद में इंटीग्रेशन स्वतः होता है। वो शिवानजी महाराज जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। उनके पुस्तकों में साधना, ब्लिस डिवाइन, ऑल अबाउट हिंदुइज्म आदि, इसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप सभी उसको देख सकते हैं। और साधन को भी बहुत महत्व दिया था स्वामी जी ने, क्योंकि हमारे दर्शन में दो विभाग हैं, एक तो फिलोसॉफिकल साइड है और दूसरा साधन है। ये परस्पर संबंध करते हैं। कभी कभी हम बहुत टेक्निकली समझने जाते हैं या फिलोसॉफिकली जानने जाते हैं, तो साधना का जो अंश है, जीवन में तपस्या का जो अंश है, वो भूल जाते हैं। तो स्वामी जी ने उसी को भी महत्व दिया और ऐसे पुस्तकें लिखे, माइंड एंड इट्स मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, प्रैक्टिस ऑफ योगा, ये सब बहुत ही उत्तम किताब है जो अभी वर्तमान में युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे परम गुरुदेव जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ और उनके ये शिष्य परम पूज्य चिदानंद जी महाराज जी रहे, जैसे गुरु थे उसी प्रकार उस परंपरा को और भी विस्तार से आगे बढ़ाया। तो उनके भी बहुत सारे हजारों हजारों भक्त पूरे विश्व में हैं, उनके शिष्य हैं। वे तो अनुभवी संत थे और स्वयं अपने जीवन में एक करके दिखाया। उन्होंने भी अपने रचनाओं के द्वारा, उपदेशों के द्वारा इस परंपरा को, इस भारतीय धार्मिक दर्शन परंपरा को आगे बढ़ाया। और जिनका नाम हमने उद्धृत किया था, कृष्णानंद जी महाराज, जिनके पुस्तक के बारे में अभी जयदेव जी कह रहे थे, ये शॉर्ट हिस्टोरी ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया, ये पांडित्य में, यानी परम गुरुदेव शिवानंद जी महाराज के शिष्यों में पांडित्य के दृष्टि से हम नाम लेके कह सकते हैं कृष्णानंद जी महाराज आगे थे। उन्होंने सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाला और स्वामी जी ने जो जो वचन कहा उनके साथ मिला करके उसका प्रचार किया। बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें लिखे हैं और जैसे जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो ये जो पुस्तक है शॉर्ट हिस्ट्री, ये तो है ही, इसी के साथ में द हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी बहुत अच्छा ऐसे पुस्तक है, और रिलीजन एंड सोशल वैल्यूज, ये भी एक उत्तम पुस्तक है। तो ऐसे परंपराएं बने रहे तभी जाकर के जो सद्भावना विश्व में होना चाहिए वो होगा। अध्ययन से हमें ज्ञान होता है, किंतु अध्ययन जब तक जीवन में नहीं उतरता तब तक वो ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में हमें फल नहीं दे पाता। शायद विश्व में आज जो स्थिति बनी हुई है इसका कारण वही है, ऐसा लगता है। जैसा शेष समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे दर्शन शास्त्र में, क्योंकि विषय भारतीय धार्मिक और दार्शनिक दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय है, ये एक संत के दृष्टि से
और एक अध्येता के दृष्टि से, और आज के उपयोगी, आज जिसका रिलेवेंस है उस दृष्टि से इसका एक परिचय होना आवश्यक है। एक आश्चर्य की बात है, आज तक हम इतने स्टडीज किए, भारतीय दर्शनों पर इतनी सारी पीएचडियां हो चुकी है, किंतु मुझे अभी तक याद नहीं है कि हमारे दार्शनिक पुस्तकों का, ग्रंथों का एक संपूर्ण सूची तैयार करें, एक कैटलॉग, द कंप्लीट कैटलॉग ऑफ इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सभी युवा मिलकर के एक संयुक्त प्रयास इसमें करेंगे तो मुझे लगता है आज के समय में ये साध्य है। कि जैसे अभी जिगर जी बता रहे थे कि पुस्तकों में जो ज्ञान है उसी को नष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान का महत्व सभी जानता है। जब तक ज्ञान है तब तक जीवन राशि को या संस्कार को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उस ज्ञान के महत्व को जानकर आज के समय में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजियां उपलब्ध है जिनके माध्यम से हम इस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। कि अभी ये यदि एक संकल्प लेकर के इसको आगे करें तो बहुत अच्छा होगा। तो अब विषय में प्रवेश करते हुए, हमारे भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है, कि किसको हम भारत कहते हैं? सबसे साधारण भाषा में कहें, सर्वम खलुविदं ब्रह्मा एकमेवाद्वितीयम् एकम् सद्विप्रा बहुधा वदन्ति यत्र विश्वम् भवत्येकमिदम्। ये सब वेद का मंत्र है। और वसुधैव कुटुम्बकम्, ये सभी ने सुना होगा। ये हमारा मूल तत्व है। भारत हमेशा ही एक शांति प्रिय देश रहा, शांति हमारा आधार है। मा हिंसा सर्वा भूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, ये हमारा परम वचन रहा, अप्त वाक्य रहा, कि किसी प्राणी को हिंसा न करें। आप लोग सब इतिहास के ज्यादा है, हिस्ट्री के ज्यादा है, कि भारत ने कभी भी संपत्ति के लिए अथवा अपने प्रभुत्व दिखाने के लिए अन्य देशों पर आक्रमण नहीं किया। इतने शक्ति होती हुई भी, संपत्ति थी, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का विकास भी जमाना जमानों से है, तो भी कभी भी अत्याचार नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। जो हम पर आक्रमण किए, सुरक्षा के लिए, स्वाभाविक है, सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये इससे मालूम होता है कि भारत की सद्भावना कहां तक व्याप्त है। आज विश्व ने ये लोहा माना है कि भारत के अद्वैत दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसको लेकर के हम संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, संपूर्ण विश्व को हम एक बना सकते हैं। तो ऐसे दर्शन का दाता ये भारतवर्ष है, हमको सबको उस पर गर्व है। तो अब ये जो लक्ष्य है, सभी में जो अंतरात्मा है उसको प्राप्त करना, उसका अनुभव करना, इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा भारत दर्शन का लक्ष्य है। अब एकात्म भाव यानी अद्वैत भाव, सभी के अंदर वो आत्मा है, इसको कैसे लाए, इसका ट्रेनिंग कैसे हो सकता है, इसकी साधना कैसे हो सकती, तो हम उस पर विचार करते हैं। तो एक अनुभव में ऐसा आता है कि मनुष्य राशि, ये मनुष्य राशि ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जात यही चाहते हैं कि अपने लिए सुख हो, और वो सुख भी हमेशा के लिए हो, उसमें कोई व्यवधान ना आए। ऐसे सुख की प्राप्ति जो हमें निष्प्रयास प्राप्त हो,
यानी कोई आयास प्रयास ना करना पड़े, ये तो हम सभी के मन में है। हम अध्ययन क्यों करते हैं, हम नौकरी क्यों करते हैं, हम घर क्यों बनाते हैं, गाड़ी क्यों खरीदते हैं, हम भोजन ही क्यों करते हैं। आप एक बार चिंतन करके देखेंगे कि ऋषियों का वो तत्व ज्ञान, आपको एहसास होगा कि ये सभी के पीछे एक नित्य सुख का, एक सुख की इच्छा है, वांछा है, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो कभी दुख ना हो। तो इस तत्व को ऋषियों ने जाना और ऐसा जाना कि ये तत्व, ये सुख की जो प्राप्ति की लालसा है, ये सभी प्राणी में समान है। ये भगवान अपने स्वरूप में सुख लेकर के बैठा हुआ है, उस सुख को जानना है, ऐसा ऋषियों ने जाना। तो भारत का दार्शनिक सिद्धांत यही है। जितने भी दर्शन, अभी कुछ दर्शन शास्त्रों का और सभी ग्रंथों का कुछ परिचय हम देंगे तो उससे ज्ञात होगा कि सभी दर्शन शास्त्र के सभी ग्रंथ इसी ओर जाते हैं, इसी को कैसे सिद्ध किया जा सके। और इसको प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई। एक जीवन है व्यक्तिगत जीवन, अब उसको हम 80 साल या 100 साल तक का सामान्य रखें तो उस जीवन को उन्होंने चार विभाग में विभक्त किया। ये ध्यान देना कि व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए, यानी एक लाइफ प्लान है, जीवन को कैसे चलाना, इसमें चार में विभक्त किया। उद्देश्य क्या है, उसको प्राप्त करना है, उस परम सुख को प्राप्त करना है। उस सुख को प्राप्त करने के मार्ग में उन्होंने चार पुरुषार्थों को जोड़ा, जिसका नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रखा। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहते हैं और बाकी भी पुरुषार्थ है। तो जैसे हमारे जीवन में धर्म एक स्थान में आता है, धर्म वो है हमारा अध्ययन काल, बचपन से लेकर के जब अध्ययन तक का जो समय है वो धर्म है। और अर्थ काम है, जहां हम वैवाहिक जीवन अपने जीवन चलाते हैं, सामाजिक दृष्टि से गृहस्थ आश्रम के जीवन चलाते हैं, और उसके बाद उससे निवृत्त होकर के मोक्ष के रास्ते पे निकलते हैं। तो इसीलिए ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन के लिए रखा और गृहस्थ आश्रम, उसके बाद अध्ययन के बाद में जब ज्वावधि प्राप्त करके वैवाहिक जीवन के समय रखा, और उसके बाद उससे निवृत्त होने के लिए वानप्रस्थ रखा, यानी रिटायर लाइफ, उसके बाद में सन्यास, जो पूर्णतः मोक्ष के लिए समर्पित हो, ऐसा जीवन का चार भाग किया। आज भी ये उतना ही रिलेवेंट है, उतनी ही आवश्यकता है। आप किसी के जीवन में देखिए कि हम करते हुई है, पहले अध्ययन करते हैं, बाद में जॉब करते हैं, और बाद में रिटायर्ड होते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद में अपने को एंगेज करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल या कुछ भी करते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, कोई कल्चरल वर्क करते हैं, कोई स्पिरिचुअल इसमें चले जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो संन्यास, किसी की इच्छा होती है, जानकारी होती है तो संन्यास भी होता है। तो ये कभी भी बदला नहीं, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु आदि नित्य तत्व है, एक ही प्रकार से है, वैसे ये कंसेप्ट बदला नहीं, बदल नहीं सकता। ये मनुष्यों के लिए नहीं है, प्राणियों में भी देखेंगे तो उनके जीवन में भी ऐसे होता है। तो ये चार विभाग किया, पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय हम कहते हैं। उसके बाद में सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि व्यक्ति की जैसी व्यवस्था है वैसे समाज में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो समाज निष्ठ व्यवस्था में उन्होंने वर्ण व्यवस्था की कि काम को बंटवारा किया, कि समाज को एक साथ चलाने के लिए सब मिलके एक काम करते रहेंगे तो नहीं होगा, इनबैलेंस होगा। तो एक बैलेंस्ड समाज के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था की। तो यही हमारा पूरा शास्त्रों का आधार है, इसमें एक भी संशय नहीं, इससे न बाहर जाता है न इससे अतिरिक्त कुछ कहा जाता है, ये सभी इसी के अंदर है। अब जो है इसके व्याख्यान में
जितने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं सारे उसी के व्याख्यान में ही चलता है। इसमें मूलभूत ग्रंथ वेद है और उपवेद है। ये ध्यान दे रहे कितने सारे हमारे ग्रंथ का विभाग है, सभी इस उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। तो वेद हो गया, उपवेद हो गया, फिर वेदांग है, उसके बाद स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम या निगम, दर्शन शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, स्तोत्र ग्रंथ, काव्य और कलाएं, 64 कलाएं, ये शिल्पकला आदि, नृत्य कला आदि कलाएं, और सुभाषित ग्रंथ। ग्रंथों का एक विभाजन करें तो ये 13 प्रकार का हमें प्राप्त होता है। अब हम इन सब का एक परिचय देंगे। जैसे पूज्य कृष्णानंद जी महाराज ने उनके ग्रंथ में, भारत का धार्मिक और दार्शनिक चिंतन ग्रंथ में जो कहा है उसके आधार पर और उसके एक समन्वय विवेचन की दृष्टि से एक सामान्य परिचय देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना ही समय है। पहले वेद देखिए। वेद हमारा सभी का मूल ग्रंथ है, सभी शास्त्रों का मूल है। वेद चार है, हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैसे तो वेद ज्ञान के दृष्टि से एक ही माना जाता है, ये लक्षण के दृष्टि से ये चार होते हैं। ये लक्षण का अर्थ है कि ऋग्वेद में कुछ कर्मों के कुछ स्तुतियों का लक्षण है, यत्र अर्थवशे न पाद व्यवस्था सारिक, ऐसा मीमांसा सूत्र में लक्षण दिया है कि अर्थ लेकर के छंदोबद्ध स्तुतियों को लेकर के जो कर्म होता है उसके लिए ऋग्वेद बनाए। ऋग्वेद को आज भी पूरे विश्व में सबसे पुरातन प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब इसकी प्राचीनता को लेकर के कई आप लोग सब इस विषय में सुने हैं, वेद की प्राचीनता को लेकर के बहुत चर्चाएं होती रही। और इस ये जो ग्रंथ वेद है, वेद का विभाजन किया भगवान वेद व्यास जी। विभाजन का अर्थ वेद उन्होंने बनाया नहीं है, ये सम्मिलित हो गया था, यानी ऋग्वेद शाखीय जो पाठ करते हैं उसमें यजुर्वेद अन्य अन्य वेद भी मिल गए थे, जैसा हम आजकल एडिटिंग करते हैं। तो व्यास जी एक एडिटर थे कि उन्होंने वेद को अलग अलग लक्षणों से, वेद के अपने लक्षणों से अलग करके विभाजन करके उनके चार शिष्यों को सिखाया और उसके बाद उनकी परंपरा चली। इसलिए वेद व्यास जी हमारे लिए सब कुछ है। आज जो सनातन धर्म, भारतीय जो संस्कार जिसको लेकर के हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके यदि कुछ ग्रंथ उपलब्ध है, यदि उसके संस्कार अभी जीवित है, तो वो भगवान वेद व्यास जी के कारण ही है। तो ऐसा चार वेद है, ये चार वेदों का मिला करके लक्षण कहा मंद्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ऐसा कहा। इसमें कुछ लोग केवल मंत्र भाग को, संहिता भाग को ही वेद मानते हैं और ब्राह्मण भाग को नहीं मानते। और वेद को हम नित्य कहते हैं। वेद नित्य, इसका अर्थ यह है वेद का ज्ञान नित्य है, क्योंकि संप्रदाय अविच्छेदे सदी अविस्मरणीय कर्तृत्व, ये वेद का नित्यत्व का लक्षण ऐसा किया कि एक संप्रदाय से, गुरु परंपरा से आया है। श्लोक वार्तिक में कुमारली भट्ट जी ने कहा, वेदाध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, यही संप्रदाय परंपरा जिसको हम कहते हैं। तो ये गुरु परंपरा से आया हुआ है, इसलिए इसको नित्य मानते हैं। किसी भी अपना दावा नहीं करता है कि हमने ये बनाया है। ऋषियों का नाम वेद में आता है, इसको लेकर के लोगों को संशय होता है कि अमुक ऋषि का नाम आ गया, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि आदि नाम आता है, तो इन ऋषियों ने बनाया होगा। ऋषियों को हम कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, निरुक्ति ने कहा कि ऋषि मंत्र का दृष्टा होते। दृष्टा का अर्थ यह है कि उन्होंने बनाया नहीं,
उनके माध्यम से वो जो नित्य ज्ञान है वो प्रकट हुआ। पहले भी था वो ज्ञान, वो ज्ञान प्रकट करने के लिए ऋषि स्वयं को माध्यम बनाए, अपने को अधिकारी बनाया। उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध किया कि उसमें सूर्य के प्रकाश दर्पण के समान उसमें रिफ्लेक्ट होने लगे। ऐसा ही ज्ञान रिफ्लेक्ट होकर के प्रकट होता है, ये थियोरी है, इस पर बहुत चर्चाएं होती रहती है। किंतु ज्ञान, ध्यान रखें कि जैसा, इसका कहने का अर्थ यह है, जैसा न्यूटन ग्रेविटी का खोज किया, किंतु न्यूटन ने ग्रेविटी को बनाया ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा कोई कहता नहीं। ग्रेविटी पहले भी काम कर रही थी, गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, वो नित्य है, जब से सृष्टि है तब से है। किंतु न्यूटन के माध्यम से, यद्यपि न्यूटन के पहले भी कई लोगों ने उस विषय पर कहा, और हमारे शास्त्रों में तो कणाद ऋषि ने, वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कहते हैं, यह अन्य विषय है, हम उसकी सूचना आगे आपको देंगे। तो न्यूटन के माध्यम से ये प्रकट हुआ ऐसा कहते हैं। जो न्यूटन की जो तीन सिद्धांत है, ये तो वैशेषिक दर्शन में सूत्रों में ऐसे ही तीन सिद्धांतों के विषय में कहा है, तो उसके पहले भी खोज हुए हैं, किंतु उस प्रकार उतने उसमें विस्तार नहीं हुआ होगा, उतना प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि उसका अध्ययन विरल होते थे, कारण अनेक हो सकते। इसी प्रकार जैसे न्यूटन के पहले ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी का ज्ञान न्यूटन ने प्राप्त किया अपने खोज से, ऐसे ही ऋषियों ने पहले ज्ञान को, जो ज्ञान विद्यमान है, नित्य है, सत्य है, उसको प्राप्त किया। उसको हमारे शास्त्रीय भाषा में एक टेक्निकल टर्म कहते हैं, अपौरुषेयत्व। वेद अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ऐसे लक्षण करते हैं। तो ये अपौरुषेय तो इस प्रकार माना जाता है, किसी व्यक्ति ने कहा नहीं ऐसे अर्थ में नहीं है, व्यक्ति ने तो जरूर कहा, क्योंकि गुरु परंपरा से ये जीवित है, इसका अर्थ व्यक्ति ने ही कहा, किंतु ये उनका अपना नहीं है, कोई भी अपना नाम अंकित नहीं करते। कि इसके पौराणिकता को लेकर ऋग्वेद आदि पुरातन प्राचीनतम है, इसको लेकर के पाश्चात्य राज्यों में बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, रिसर्च ने बहुत कुछ किया, और अपने अपने कुछ समय निर्धारित किए। ये समय हमारे संप्रदाय के अनुसार नहीं माना जा सकता, इसीलिए नहीं माना जा सकता। समय का निश्चय के लिए जो मानदंड उन्होंने अपनाए, ये सब वेद के अंदर भूत मानदंड है। कि अभी कुछ साल पहले स्कॉटलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इसको लेकर के, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, बृहस्पति प्रथमं जायमानं तिष्यं नक्षत्रं अभिसंबभूव, ऐसा एक ऋग आता है। उसमें ज्योतिष की दृष्टि से गुरु ग्रह और तिष्य नक्षत्र के संबंध में कहा गया है, जो एक वास्तविक है, यानी ग्रह और नक्षत्र के जो संबंध है एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से वो वास्तविक है, उसका कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो इस वाक्य को लेकर के उन्होंने विचार करके ये निश्चय किया था कि कम से कम ऋग्वेद को 4275 से भी, 4275 BC से भी आगे मानना चाहिए, ऐसा निश्चय किया था। ये उनके प्रमाण लेकर के निश्चय किया, और उसके बाद जो है और भी कई तरीके से हुआ, DNA के माध्यम से हुआ। तो DNA में अभी पता चला है कि 9000 BC तक ले जाना चाहिए। उसके बाद में मेटालिक स्टडीज हुए, उसमें ये कहते हैं कि 10000 BC से भी आगे ले जाना चाहिए। तो अब ये रुकने वाला तो है नहीं। और एक आश्चर्य की ये बात है, अब ये जो जिस पंक्ति को लेकर के उन्होंने विचार किया, ये पंक्ति बृहस्पति प्रथमं जायमानं तिष्यं इत्यादि जो पंक्ति है, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्ति है। संस्कृत भाषा व्यवस्थित है, ऋग्वेद की संस्कृत भाषा व्यवस्थित है, यानी बहुत कुछ संशोधित भाषा है, जिसमें अपने आशय विनिमय करने के लिए स्पष्टता। आप सभी इसमें विद्वान हैं, क्या आप सोचिए कि ऋग्वेद का काल जो निर्णय करते हैं उसकी भाषा की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा एक भाषा
फॉर्मेट होने में, तैयार होने में कितने सैकड़ों साल लगे होंगे। तो भाषा तैयार होने में एकाएक तो भाषा तैयार नहीं होती, और व्याकरण के सहित शुद्ध भाषा जिसमें अच्छे कम्युनिकेशन हो। तो इसीलिए ये तो जो भाषा को लेकर के आप उसी के अंतर्गत विचार में इतना ही बाहर आ सकता है। ये हमने इसलिए इस पर ऐसा कमेंट किया क्योंकि ये शास्त्रीय ढंग से विचारणीय विषय है। अब वेद का जो सार है उसमें अंतर्गत विभाग भी किया है उसको जानने के लिए। तो वेद अंदर विभाग में संहिता नाम का विभाग है जो श्लोकबद्ध उसमें वक्तव्य होते हैं, श्लोक के रूप में, मंत्र के रूप में होते हैं, और ब्राह्मण भाग है, और आरण्य भाग, फिर उपनिषद भाग। ये चार भाग वेद के अंतर्गत विभाग में कहते हैं। उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं क्योंकि अब तक जितने उपनिषद प्राप्त हुए हैं वे सारे उस वेद के लास्ट पार्ट्स में आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईशावास्य उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता पाठ में 40 अध्याय है, उसका 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय है, और छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय है। ऐसे कोई भी उपनिषद हम लेते हैं तो अंतिम भाग में प्राप्त होने के कारण वेद के अंत ऐसा मान करके उपनिषदों को वेदांत कहा गया। और भी अर्थ वेदांत का करते हैं लेकिन ये जो शास्त्रीय अर्थ है ये ठीक है। और इसको वेद को फिर हम कांड से विभागन करते हैं, इसको कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कांड का अर्थ है कुछ आचार, कुछ अनुष्ठान जो एक विशेष स्थान में, अवस्था में किया जाना चाहिए, ऐसे अनुष्ठान उसको एक कांड कहते हैं। एक हम उसको एक सब्जेक्ट के दृष्टि से देखेंगे तो कर्म का विभाजन, कर्म की चर्चा जहां होती है, कर्म यानी यहाँ यज्ञ याग आदि कर्म जो पूजा आदि कर्म है, और उपासना जो ध्यान के लिए ध्यान संबंधी विचार है, और ज्ञान कांड उपासना के बाद में उपनिषद भाग में आता है। ये भी विभाजन वेद में मिलता है। वेद के अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं किंतु अब उपलब्ध भाष्य में सबसे प्रामाणिक सायण माधव आचार्य का माना जाता है, और उसके बाद महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेद पर भाष्य लिखे, यानी उन्हें अपनी टीका टिप्पणी की, और महर्षि अरविंद घोष जी, आप सभी उनसे अच्छे परिचित है, उन्होंने भी वेद पर भाष्य किए, और भी बहुत सारे भाष्य बाद में भी आए हैं। तो इस प्रकार के भाष्य है, लेकिन सायण भाष्य के आधार पर संप्रदाय में कर्मकांड में सभी विचार चलता है। अब एक विषय वेद के संबंध में ये भी है, ये सुना जाते हैं कि ये वेद में अनेक शाखाएं, क्योंकि हम साउथ में जाते हैं, साउथ में और कुछ तरीके से होता है, और कुछ ढंग से स्वर पाठ वेद पाठ चलता है, और नॉर्थ में आते हैं तो यहाँ और कुछ, तो वहां कृष्ण यजुर्वेद चलता है तो यहाँ शुक्ल यजुर्वेद चलता है, तो और भी बहुत सारे विभाग, इनको वेद शाखा कहते हैं। ये वेद शाखा का विभाजन कैसे होता है कि वेद के एक देश माने वेद का एक भाग को स्वर के भेद से, यानी उसका जो गान उच्चारण और प्रयोग, इसमें भेद होते हैं। वेद भिन्न नहीं होते, वेद के प्रयोग भेद से, उच्चारण भेद से शाखा भिन्न होती है, और ये शाखाओं को नित्य नहीं माना है। शाखाओं का जो नाम है इत्यादि को नित्य नहीं माना। इस विषय में महाभाष्यकार पतंजलि, व्याकरण सूत्र के जो महाभाष्य है पतंजलि, उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कहा, यद्यपि अर्थो नित्यः या तो असो वर्णानुपूर्वी सा नित्या, ऐसा कहा। ये उनके जो है महाभाष्य के चतुर्थ अध्याय में तीसरे पाद में 10वां सूत्र के भाष्य में मिलता है। तो इसलिए वेद का जो अर्थ है वो नित्य है, जैसे सूर्य चंद्र आदि के समान वो नित्य है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे वेद शाखाओं में आश्चर्य होता है कि 1180 शाखाएं थी एक जमाने में, यानी वैदिक युग हम कह सकते हैं, जब वेद का
पूरा पूरा प्रचार था, प्रसार था। उस समय 1180 शाखाएं थी, इसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं और यजुर्वेद की 109 शाखाएं और सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 50 शाखाएं। किंतु आज दुख की बात है कि हमें वेद के इस धरोहर को संरक्षण करने चाहिए था, लेकिन आज के समय में, यानी अब आपके ये एक लगभग 20 साल के पहले का मैं हिसाब बता रहा हूं, तब तो हमारे पास केवल 8 शाखाएं बची हुई है। ऋग्वेद की एक शाखा जिसमें 21 शाखा थी उसमें एक बचा हुआ, यजुर्वेद की 109 थी उसमें 3 शाखाएं जीवित है और सामवेद की 1000 शाखाएं थी उसमें केवल 2 शाखाएं जीवित है, अथर्ववेद की 50 शाखाएं थी उसमें केवल 2 शाखा जीवित है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वेद को रक्षा करने के लिए जिनको जिम्मेदारी भगवान ने सौंपा था या वेद व्यास जी ने सौंपा था, हमारे संस्कार में उसको किया था, ऐसे ब्राह्मण ये वेद को पढ़ना संभालना छोड़ दिया, छोड़ने के कारण ऐसे अभी नष्ट होते जा रहा है, ये एक अलग बात है। अब ज्यादा विस्तार नहीं करते, बहुत कुछ इसमें कहने का है, तो कभी और एक अवसर में उस पर विचार करेंगे। अभी दूसरा जो ग्रंथ हमको मिलता है उपवेद, उनका उपवेद नाम दिया है, तो उपवेद में ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद होता है और धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद माना गया, शस्त्रास्त्र शास्त्र है वो, और सामवेद का गांधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र, संगीत संबंधी विचार उसको उपवेद माना है, और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र अथवा स्थापत्य वेद को उपवेद माना है। ये सभी अलग अलग प्रकार से आज भी उपलब्ध होते हैं। अब हम वेदांगों के विचार करें। वेदांग बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेदांग इसलिए नाम दिया क्योंकि वेद इसी से ही जीवित रहता है। आप विचार करिए, चिंतन करिए, हमारे भारतीय संस्कार का ये जो हमारे दार्शनिक चिंतन कितने गहराई तक, कितने विस्तार से हजारों हजारों साल से चलता आ रहा है, तो उसमें कैसे कैसे उन्होंने उसको संभाला। अब वेद को ठीक से संभाल पाए तो आगे का सब कुछ जीवित रहेगा। जैसा मूल रहे तो वृक्ष बढ़ता है, वृक्ष फैलता है, यदि मूल ना रहे तो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने वेदांगों की व्यवस्था की कि वेदांग का अर्थ वेद की रक्षा के लिए, ये वेद से बाहर है यानी वेद से अलग से अध्ययन करना पड़े, ऐसे वेदांग है ये शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो ज्योतिषम निरुक्तम, ये 6 वेदांग माने गए। एक एक का संक्षिप्त परिचय बताता हूं। शिक्षा ग्रंथ वेद के वो अंग है जिसमें वेद में स्वर ज्ञान होता है कि किस वेद के कौन से मंत्र को किस स्वर से पढ़ना चाहिए। जैसा हमने कहा कि साउथ में एक अलग स्वर होता है या दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद का, एक ही पुरुष सूक्त को अलग अलग वेद में अलग अलग स्वर में अध्ययन करते हैं, एक स्वर शास्त्र है, ये स्वर शास्त्र के द्वारा ही वेद जीवित रहता है। वास्तव में जो हम पुस्तक रूप में जो वेद हमको मिलता है उसको सांप्रदायिक दृष्टि से वेद नहीं मानते, मतलब ट्रेडिशनली दे डोंट कंसिडर द बुक्स एज वेदा, क्योंकि वो वेद तो श्रुति है, ये पुस्तक में जो लिखा है वो केवल आपको वो सूचना देता है कि अमुक शब्द देकर के अमुक शब्द का उच्चारण करना, किंतु असली वेद जो गुरुमुख से सुन करके अध्ययन करता है, श्रुति मुख से होता है, वही होता है। इसलिए पुरुष सूक्त हमको पढ़ने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए, पढ़ाने के लिए हम यूनिवर्सिटी आदि में अध्ययन करते हैं, उसके लिए पुस्तक तो अवश्य यूज कर सकते हैं और उसको प्रचार करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वेद का केवल वो सूचना मात्र है, वेद तो स्वयं स्वर सहित ही होता है। इसलिए यह शिक्षा ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सभी वेद की शिक्षाएं अनेक है, पाणिनी शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा और अथर्ववेद में मांडुक्य शिक्षा इत्यादि नाम से मिलता है। ये पहला अंक है। दूसरा अंक है कल्प। ये कल्प ग्रंथ वेद के अनुष्ठान के प्रकार बताते, इन शब्दों को आपने सुना होगा,
कि वेद में जो मंत्र कहा जैसे प्रयोग करता है उसके अनुष्ठान प्रकार, उसमें कल्प सूत्रों में श्रौद सूत्र जो वेद के यागादि अनुष्ठान के विषय में कहते हैं, और गृह्य सूत्र जो गृहस्थ होने के बाद में गृहस्थ में अनुष्ठेय विषयों के बारे में कहते हैं, और जो धर्म सूत्र नीति नियमों के बारे में सामाजिक नीति नियमों के बारे में कहते हैं, और शुल्ब सूत्र जो स्थापत्य सूत्र भी कहा जाता है जो गृह निर्माण के वास्तु के संबंध में वास्तुशास्त्र, यानी जैसा हमारे आजकल सिविल इंजीनियरिंग के विषय में कहते हैं यागशाला कैसे बनाना चाहिए, घर कैसे बनाना चाहिए और गौशाला कैसे बनाना चाहिए आदि आदि विषय में, ये कल्प ग्रंथ हुआ। उसके बाद प्रसिद्ध है व्याकरण, व्याकरण को सभी लोग जानते हैं, हमारे पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनीय व्याकरण में आज जो उपलब्ध ग्रंथ है वो पूर्ण है ऐसा मानते हैं, उसमें 3978 सूत्र प्राप्त होते हैं, तो बहुत विस्तार से पूरे व्यवस्थित ढंग से ये संस्कृत भाषा को सिद्ध किया है उसमें, और ये पूरे संस्कृत भाषा धातुओं के ने रूट्स पर स्थित होते हैं। इसमें 2056 धातु प्राप्त होते हैं, और इसी प्रकार फिर उसी में अन्य भी वार्तिक आदि भी है आदि आदि उसका विस्तार है, जो आज लगभग सभी कुछ उपलब्ध है। और संस्कृत भाषा की ये महत्ता आज पूरे विश्व मान रहे हैं कि संस्कृत भाषा में सब कुछ व्यवस्थित होने से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कि वो उसके लिए अत्यंत अनुकूल निकला है, तो उस पर काफी रिसर्च हो रहे हैं और विदेश में भी हमारे देश में भी JNU आदि में विशेष रिसर्च हो रहे हैं ऐसा हमने सुना है। ये बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो संस्कृत भाषा जानते हैं वे ये जानते हैं कि वो भाषा कितनी व्यवस्थित है, व्याकरण भाषा को कितने कंट्रोल में रखते हैं, तो ये एक अद्भुत कार्य है, हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा देन है। तो ये पूरे विश्व को अपने ज्ञान देने में ये माध्यम बन सकता है। उसके बाद चतुर्थ अंग आता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र अक्षर संख्या आदि के विषय में, यानी मीटर जो बोलते हैं, जो पंक्ति हम लिखते हैं उस पंक्ति में कितने अक्षर होना चाहिए, उसमें गुरु कितने, लघु कितने, छोटा कितने, बड़े कितने इत्यादि बताते हैं। ये पिंगला आचार्य जो पाणिनीय आचार्य के छोटे भाई मानते हैं, उनका छंद शास्त्र सबसे मौलिक ग्रंथ आज प्राप्त है। उस पर अन्य भी बहुत सारे वृत्तमंजरी आदि अन्य ग्रंथ भी प्राप्त है। उसके बाद ज्योतिष एक अंग है। ज्योतिष कर्म अनुष्ठान के लिए समय निश्चय के लिए होता था, मुहूर्त निश्चय, कौन सा समय में कौन सा कर्म करना है इसका निश्चय करने के लिए। आजकल हमारे भविष्य जानने के लिए भी उस ज्योतिष को प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र बहुत अद्भुत शास्त्र है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का बहुत बड़ा विस्तार है, इसमें बहुत कुछ रिसर्च होने की जरूरत है, और ज्योतिष के माध्यम से हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, ये सब आप लोग अध्ययन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। और उसके बाद निरुक्त अंग आता है। ये निरुक्त वेद को पुष्ट करने के लिए, वेद को समझने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता है, शब्दों का यथार्थ अर्थ बताया, जैसे हमारा डिक्शनरी है, डिक्शनरी का ही लगभग काम ये निरुक्त में होता है, शब्द की उत्पत्ति और अनेक अर्थ इत्यादि कहा, ये निरुक्त का ये अंतर्गत निघंटु भी आता है। व्यास का आचार्य ने निरुक्त का निर्माण किया, जो परंपरा में थे उन्होंने उसको ग्रंथ के रूप में प्रणीत किया। इस प्रकार वेद और वेदांग हो गए। अब इसके बाद में हमारे शास्त्रों में स्मृतियां आती है। स्मृतियों के बारे में कहा गया कि जो जो पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वो एक सामाजिक व्यवस्था नियम के अनुसार होना चाहिए। कैसे कैसे करना है इसका समय समय पर विस्तार करते हैं स्मृतियां। ऐसे हमारा मन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि आदि, अब जो है प्राप्त स्मृति ग्रंथ के नाम से हमें 56 स्मृति ग्रंथ प्राप्त है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें नीति शास्त्र, नियम शास्त्र, आचार शास्त्र सभी कुछ है। बहुत उपयोगी ये ग्रंथ है, इस पर भी बहुत रिसर्च होना चाहिए। आप लोग सब PhD सब कराते हैं तो इन विषयों को भी लेकर के
पीएचडी कराना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत उपयोगी तत्व उसमें है। तो ये अभी नाग पब्लिकेशन दिल्ली में है, उन्होंने 6 वॉल्यूम में ये 56 स्मृतियों को पब्लिश किया है। कोई देखना चाहते हैं तो आप शायद आपके वहां लाइब्रेरी आदि में प्राप्त होंगे। उसके बाद में और विस्तार का भी विस्तार पुराण आता है। पुराण तो उन्हीं तत्वों के जो उपनिषद में तत्व है, जो उपनिषद में विस्तार है, वेद में विस्तार है, उसी को कथा के माध्यम से सुंदर सुंदर कथाएं बना करके उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वेद का ही अंश पुराण में जब आते हैं तो कथा से वो एक अलग रूप धारण करते हैं। जैसे आप एक पेंटिंग बनाते हैं, जो पेंट आपका उसका मूल होता है, उससे आप चित्र बनाते हैं तो चित्र देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, पेंट को डब्बा में देखेंगे तो अच्छे नहीं लगते। इसी प्रकार वेद का जो सार है, वेद का जो ऐसा स्वरूप है, वो पढ़ना भी कठिन होता है, सब जो नहीं समझते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ऐसे होता है, लेकिन वो कथा के रूप में सुनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इस पर भी काफी रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसमें हम जानते हैं जैसे पुराणों में पुराण का लक्षण यही कहा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च कल्पो मनोन्दराणि च वंशानुवंशचरितं पुराणं पंचलक्षणं। पुराण पंचलक्षणी नाम के ग्रंथ है, उसमें पुराण का ये 5 लक्षण कहा। उसमें सृष्टि मूल सृष्टि के विषय में और अवांतर बीच में होने वाले सृष्टि के विषय में, कल्प चतुर्युग के कल्प और मनोन्दर एक एक मनु के काल के विषय में, और वंश राजाओं के वंश कथन, और जो एक मूल राजा लेकर के जैसा रघुवंश आदि हम जैसा जानते हैं, इसी प्रकार वंश कथन होता है। जैसे महाभारत में आप देखेंगे वंश कथन है, सारे पुराण में एक एक राजाओं का वंश कथन है, भागवत पुराण चंद्रवंश और सूर्य वंश का कथन उसमें है। तो ऐसे वंश कथन भी उसमें होते हैं। पुराण को 5 लक्षण से रखा गया, ये कथाओं के अंतर्गत उपदेश रखते हैं, उपदेशों को पहचानना पड़ता है, तभी जाकर के हमको पुराण समझ में आता है। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ऐसे पुराणों में 18 महापुराण, 18 उपपुराण और 18 औपपुराण अथवा बृहत विवेक नाम से भी मिलता है। इसमें 18 महापुराण 18 उपपुराण में लगभग सभी मिलते हैं, औपपुराण में कुछ मिलते हैं। इनका नाम सब लेने के लिए यहाँ समय नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको उसके विषय में कह रहा हूं। तो अभी इन विषयों को लेकर के ही सारे हमारे शास्त्रकारों ने विस्तार किया है। पुराणों के बाद में सुंदर व्याख्याएं आती है इतिहास। इतिहास वास्तव में चरित्र है, यानी इतिहासा, यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर आधारित ग्रंथ होते हैं। इतिहासा यानी इतिहास पुरावृत्तम, ऐसा इसका लक्षण किया है कि धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिन राजाओं ने, जिन महाराजाओं ने, जिन संतों ने प्रयत्न किया, उनके जीवन को देखकर जानकर, जैसे हमारे पास अभी 2 ही इतिहास मिलते हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। अन्य भी इतिहासों का नाम कोई कहते हैं, किंतु लक्षण के दृष्टि से इन दोनों को ही इतिहास माना जाता है, महाभारत और रामायण। तो इतिहास का भी लक्षण दिया है, तो लक्षण के अनुसार अब रामायण में आप जानते हैं राम जी की कथा है, अब वो घटित है कि नहीं घटित है इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इतिहास के अनुसार ये घटित ही होते हैं, महाभारत भी घटित होते हैं। बहुत सारे पुरातत्व गवेषणा में उनके स्टडीज में बहुत सारे उसके अंश मिले हैं, इसके विषय में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। तो महाभारत और इतिहास, ये दो हमारे इतिहास के रूप में प्राप्त होते हैं, महाभारत रामायण। तो इसमें सुंदर कथाओं से उन्हीं तत्वों को, उन्हीं तत्वों के आधार पर वहां विचार होता है। उसके बाद में और कुछ शास्त्रीय विचार में और आज भी प्रचार प्रसार में है आगम, ये आगम ग्रंथ होते हैं। ये आगम ग्रंथ का ये लक्षण दिया कि अब जो है पुराण भी, इतिहास भी, आगम भी, देखने से ग्रंथ एक जैसे लगते हैं, कोई भी पढ़ेंगे तो ग्रंथ में भेद तो पता नहीं चलेगा, इसलिए शास्त्र में इसका लक्षण दिया है।
आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गदम जगिरिजाश्रुतौ मदम श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। ये आगम का लक्षण दिया है। इसमें शिव और पार्वती का संवाद रूप रहेगा, ऐसा आगम ग्रंथ का रूप होते हैं। तो रुद्रयामल नाम के तंत्र ग्रंथ है, इसमें इस प्रकार का लक्षण दिया है। ऐसे आगम ग्रंथों में हमारे भारतीय दर्शन में तीन विभाग में प्राप्त होते हैं। शैव आगम जिनका 10 विभाग है, और शाक्त आगम जिनका 64 विभाग है, और वैष्णव आगम जिनका 2 विभाग है, पांजरात्र और वैखानस। ये वैष्णव आगमों में ही नारद पंचरात्र इत्यादि ग्रंथ आते हैं, और श्रीनाथ मुनि, यमुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य आदि पंचरात्र सिद्धांत के जो आज भी प्रचार में है। वैखानस में विघनस मुनि का है, ये कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा के आते हैं। ये साउथ में ज्यादा प्रचलित है, जैसे तिरुपति आदि में ये परंपरा को अपनाने वाले वैष्णव है। तो ऐसे हमारे पास आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथों का कितने विस्तार है कि इसमें तंत्र ग्रंथ भी इसी में आते हैं, योग के भी कुछ ग्रंथ इसमें आते हैं, ये सब आगम ग्रंथों में आते हैं। उसके बाद में बहुत प्रसिद्ध जो फिलोसफिकल बुक्स हम कहते हैं, ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में 2 विभाग प्राप्त होता है, आस्तिक और नास्तिक, क्योंकि हमारे भारत में सबको अपनाने का ये रहा है, इसीलिए ये आस्तिकों को भी नास्तिकों को भी हमने दर्शन शास्त्री माना। तो आस्तिक दर्शनों में, आस्तिक दर्शन का अर्थ है वेद को प्रमाण से मानते हैं, किसी प्रकार वेद को प्रमाण मानते हैं तो उनको आस्तिक कहते हैं। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन है, और 6 नास्तिक दर्शन मानते हैं, किंतु उसमें 3 ही मुख्य है, बौद्ध, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। बौद्ध का ही बाकी सौत्रांतिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये 4 विभाग हो जाते हैं, इसलिए वो उस प्रकार से उसमें आ जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसे रिसर्च वर्क हमें प्राप्त होता है, जो हम कह सकते हैं उस जमाने में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने गुरुकुलों में अध्ययन करके जो रिसर्च किया, पीएचडी किया हो, जैसा आज की भाषा में ऐसे ग्रंथ लिखे, जो आजकल आप पीएचडी के थीसिस लिखते हैं, उसी प्रकार के जो स्टडी ग्रंथ लिखे हैं, अलग अलग विषयों पर उन्होंने स्टडी की, उन ग्रंथों का एक विभाग होता है सिद्धांत ग्रंथ, सिद्धांत शास्त्र हम इसको कहते हैं। इसमें जैसे सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता का समय लगभग 1000 BC माना जाता है, और उसी प्रकार आयुर्वेद के ही जो अन्य ग्रंथ भी, अचरा संहिता आदि ग्रंथ है, और आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है, आर्यभट्ट के ग्रंथ है, अर्थशास्त्र, पंच सिद्धांत, वराह मिहिर के पंच सिद्धांत जो 500 BC के लगभग है, और भारद्वाज संहिता, और यंद्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ है जो भारद्वाज ऋषि के ही माने जाते हैं, जिसमें विमान आदि के विषय में भी विचार है, ऐसा सुनने में आता है, उसका कुछ भाग उपलब्ध है। इस प्रकार से वृक्ष आयुर्वेद और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, क्योंकि हम जैसे मानव राशि को संरक्षण करते हुए आगे जाते हैं, उसी प्रकार अपने वातावरण की भी रक्षा करते हैं, कि पेड़, नदी, पर्वत आदि सभी हमारे लिए देवता है। आप एक बार चिंतन करके देखिए, आजकल ये जो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, यदि हमारे दर्शन में देखेंगे, हमारे संस्कृति में देखेंगे, ये हमने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ करके किया है, हमने नियम कानून बना करके नहीं किया। पीपल का पेड़, वट वृक्ष को पूजा करना, आप देखिए वट वृक्ष को क्यों पूजते हैं, क्योंकि वट वृक्ष ही ऐसा है कि वो इतने ऑक्सीजन देते हैं, इतने हमको अनुग्रह करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, कितने लाखों रुपया खर्च करने पर भी वो शुद्धिकरण और शोधन नहीं होता, वो कार्य करते हैं। ऐसे नदियां, ऐसे पर्वत, पेड़ पौधे, सभी को हम आराधना करते हैं।
क्योंकि सभी में हम चैतन्य मानते हैं। अभी जगदीश चंद्र बोस जब तक उन्होंने परीक्षण करके ये नहीं कहा कि सभी में सभी पेड़ों में चेतन है तब तक नहीं मानते थे, ये बात नहीं। हमारे संस्कृति में तो पहले से लेकर के पेड़ों को भी मनुष्यों के समान ही, जीवों के समान ही मान करके उनके ही जन्म मानते थे। ये सब चीजें स्टडी करने की आवश्यकता है कि आज के समय में सभी विद्यार्थी इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि हमारे संस्कृति में जिसको ऐसे ही मजाक समझते मानते आ रहे हैं आजकल, किंतु उसका बहुत कुछ अंदर गहराई है, ये सच्चाई है। इसीलिए हमने इतने हजारों सालों से इन नदियों को संरक्षण करते आया है। जब जब से ये कंस्यूमरिज्म आया, तो जब से ये उपभोक्ता वाद आरंभ हुआ, तब से जैसा परिवर्तन हुआ, यदि 200 साल का हिस्ट्री आप देखेंगे और 1000 साल का हिस्ट्री आप देखेंगे, तो आपका वो परिवर्तन का मानदंड मालूम हो जाएगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे ऐसे ग्रंथ उपलब्ध है, जैसे उसका एक उदाहरण है वृक्ष आयुर्वेद और उपवन विनोद आदि ग्रंथ प्राप्त है। इस विषय में आप चिंतन कर सकते हैं। और उसके बाद स्तोत्र ग्रंथ होते हैं, बहुत सुंदर संगीतमय स्तोत्र ग्रंथ होते हैं। वेद पुराण आगम आदि में बहुत सारे स्तोत्र ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। और अर्वाचीन आचार्यों ने भी, नवीन आचार्यों ने भी स्तोत्र ग्रंथ रचे। जैसे शंकराचार्य जी ने एक लगभग 90 स्तोत्रों की रचना की, जिसमें सौंदर्य लहरी आदि स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, और काश्मीर शैव समय पंजस्तवी आदि स्तोत्र प्रसिद्ध है, सभी पाठ करते हैं। विष्णु सहस्र नाम, ललिता सहस्र नाम आदि आदि स्तोत्रों का पाठ करते हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, ये कितने सुंदर होते हैं। स्तोत्रों के माध्यम से भी हमारे यहाँ संस्कृति में शिक्षा देने की पद्धति थी। अब उसके बाद में और रोचक ग्रंथ आते हैं, काव्य। काव्य के द्वारा भी चार पुरुषार्थ, मोक्ष को प्रमुख मान करके चार पुरुषार्थ, चार आश्रम के धर्म और जो भी धार्मिक कार्य है उसके आधार पर ही काव्य रचना होती थी, तभी काव्य को मान्यता मिलती थी। वो भी किसी व्यक्ति के जीवन को या कोई कथा बना करके काव्य रचना होती थी। तो काव्यों में भी वही रस भरा हुआ है। तो वेद से लेकर के आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप चिंतन करके देखिए कि ये सारे ही एक ही तत्व को, एक ही कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो कम से कम जो काव्य में रस पान करते हैं, वो काव्य पढ़ करके भी अपने नैतिक जीवन को ठीक करें, आध्यात्मिक जीवन को ठीक करें, जीवन के सारांश को समझे, ये उनका उद्देश्य था। ऐसे काव्यों में रघुवंश कुमार संभव, उत्तर रामचरित, माघ आदि बहुत सारे आप संस्कृत साहित्य में अध्ययन करते हैं कि सारे ग्रंथ उस समय के कल्चर को, जीवनचर्या को दिखाता है। उसके बाद में कलाएं हैं, 64 कलाएं मानी है, जो जिनके विषय में बहुत कुछ कहना है, जिसमें नृत्य, वाद्य, आलेख आदि कलाएं हैं, 64 कलाएं। इनके भी अलग अलग ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पाजक कला के ही पाजक शास्त्र प्राप्त है, ऐसे नृत्य कला के नाट्य शास्त्र प्राप्त है, ऐसे सब हम जानते हैं, ये भी हमारे धरोहर है। और नाट्य शास्त्र में लोग समझते हैं नाट्य तो केवल नाचने के लिए होता है, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक शब्द ऐसा लिखा है, धर्म्यम यशसमायुष्यम हिदम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेदद् भविष्यति। ये सारांश यही है कि ये जो नाट्य है ये धर्म के अनुसार होता है और यशस्कर होता है, इससे आपको आयु प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं, अपने मन को आप संतुष्ट कर सकते हैं, मन को आनंद लगता है, बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि भी विकसित होती है, और लोकोपदेश जन्यम, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए होता है, यही इस नाट्य का लक्ष्य है, ऐसा भरत मुनि स्वयं अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं। कितना सुंदर है, कितने इसे कॉन्सेप्ट, वी कैन नॉट जस्ट बिलीव, इट्स एक्चुअल फैक्ट। अभी भी हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास करते हैं, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसा सिखाया जा रहा है कि ये करो, लेकिन ये हमारे परंपरा में पहला से। और अंतिम ग्रंथों के विषय में कहा जाए तो वो सुभाषित ग्रंथावली। सुभाषित यानी
सदुपदेश आपको इन कंसाइज फॉर्म में एक संक्षिप्त सारांश रूप में आपको एक उपदेश प्राप्त करना है, एक कार्य के लिए एक उपदेश प्राप्त करना है, मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो वो आपको डायरेक्टली सुभाषित में मिलेगा। ऐसे सुभाषित ग्रंथ में हितोपदेश एक ग्रंथ है, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, सभी के लिए ये वास्तव में हितोपदेश। अनेक प्रकार से आज हम लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं, हमारे विचार क्या होना चाहिए, और मित्रों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कोई परेशानी आ गया तो कैसे हम उसको डील करना चाहिए, आदि आदि सब उसमें प्राप्त होते हैं हितोपदेश। और भर्तृहरि का शतक त्रय, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, तीन शतक, ये सब उसी कोटि के ग्रंथ है, सुभाषित कोटि के। और बहुत प्रसिद्ध है पंचतंत्र, तो ऐसे ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं। पंचतंत्र की कथाएं पढ़ पढ़ करके हम बचपन में बड़े होते हैं, तो ऐसे ग्रंथ भी प्राप्त है। तो अब देखिए कि उद्देश्य क्या है, हमारा भारत के जो धार्मिक धरोहर क्या है, दार्शनिक दृष्टि क्या है, हम एकात्म चिंतन से आरंभ करते हैं और इतना सारा विस्तार करते हैं। हमने पहले कहा, आज भी इन सारे ग्रंथों का एक सूजी तक भी हम तैयार नहीं कर पाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इनमें से जो सार है, जो आज के उपयोगी है, उसको बाहर लाना चाहिए। इस पर और भी आगे हम चर्चा कर सकते हैं। इनमें जो वेदांत विषय है या दार्शनिक विषय है, इन पर हमारे यहाँ ब्रह्म विद्यापीठ में क्लासेस होते रहते हैं, और इसका हम आजकल यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें भी योग शास्त्र के विषय में, सांख्य शास्त्र के विषय में, वेदांत के विषय में, मीमांसा के विषय में सब विस्तार से चर्चाएं प्राप्त है। जो इच्छुक है आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। और प्रस्थान त्रयी का मैंने गीता, भगवद गीता और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों का निरंतर यहाँ अध्ययन होता रहता है, उसका भी अभी लाइव अपलोड हो रहा है। तो ये सारे हम सुनने से हम अपने ही जीवन को समझेंगे, अपने ही जीवन का सार को समझेंगे, ऐसे ही है। तो हमारे गुरुजन इसके लिए मार्गदर्शन, हमारे मार्ग प्रशस्त करें। और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी को इस अवसर में धन्यवाद देते हुए, सभी आपने ये प्रयास किया और हमें इस विषय को प्रस्तावित करने के लिए बहुत किया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और फिर इस प्रकार के विचार आगे भी जब भी होगा हम करते रहेंगे। तो भगवान से प्रार्थना है आप सभी का स्वास्थ्य सम्यक रखे। ओम नमो नारायण। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।